हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने पढ़ा है कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस को हमने रेस्ट में माना था अब तक, और इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है उसको हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से सोल्व किया था और उसका एनर्जी निकाला था और ग्रोथ स्ट्रक्चर को हमने एक्सप्लेन करके बताया था, ठीक है। और साथ में ये भी बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ के अंदर चक्कर लगाता है। अब ये जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपने पास एक चार्ज पार्टिकल है और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है तो उसके कारण बनता है करंट। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल किस में है? मोशन में है, तो इसके कारण क्या बनेगा? करंट बनेगा। और उस करंट के कारण क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या बनेगा? मैग्नेटिक मोमेंट भी बनेगा, ठीक है। और वो मैग्नेटिक मोमेंट अपने को यहाँ पे निकालना है। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन से मोशन में है? इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन है, ठीक है। स्पिन मोशन का अब तक डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण क्या बनेगा? करंट बनेगा। करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा? कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो अपने को यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन अपने पास एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करता है तो करंट बनता है। अब चार्ज पार्टिकल किस में घूम रहा है? यहाँ पे सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहा है। तो ये जो सर्कुलर पाथ है इसको हम एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के जैसे कंसीडर करके चलेंगे और फिर हम यहाँ पे इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सॉरी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, वो हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो आई होप इसका जो बेसिक कंसेप्ट है फिजिकली आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। लेट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट then it can be treated then it can be treated like current carrying carrying circular लो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? ये मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन का मान लिया क्या है? ये ऑर्बिटल मोशन है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हमने कितना मान लिया? एम मान लिया। वेलोसिटी कितना मान ली? वी मान ली। और इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम हमने इस डायरेक्शन में मान लिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में है? ऊपर की तरफ है। तो इसका जो इसके कारण जो करंट बनेगा वो करंट किस डायरेक्शन में बनेगा? इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? अपने पास एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो ठीक इसके एल के अपोजिट होगा। इसका जो म्यू एल है, म्यू एल बोले तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो ठीक इस एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट होगा। इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसके एंगुलर मोमेंटम के ठीक अपोजिट में अपने पास क्या होगा? उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। फर्स्ट केस तो इसका ये है। सेकेंड केस क्या हो सकता है? अब इसका जो वेलोसिटी है वो अब तक कैसा था? एंटी क्लॉकवाइज था। अब अगर मैं क्लॉकवाइज इसका वेलोसिटी लूँ तो किस टाइप से बनेगा? अब ये इसका एंगुलर मोमेंटम हमने किस तरफ मान लिया? नीचे की तरफ मान लिया। इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मास एम है। अब करंट का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा? ठीक है, उसके मोशन के अपोजिट होगा। अब इसका जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो किस तरफ होगा? ठीक इसके अपोजिट होगा। ये वाला डायग्राम भी हम इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। या फिर ये दोनों डायग्राम यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे और एक ये डायग्राम भी हम इसके अंदर बना सकते हैं। इस टाइप का डायग्राम भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। ये अपने पास जेड एक्सिस है, ठीक है। ये तीनों इसके इक्विवेलेंट डायग्राम ही है। अब दूसरी बात ये है, अगर यहाँ पे अब तो हमने एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लिया है, अब अगर अपने पास कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता
तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या ठीक इसके अपोजिट आता? नहीं। उस केस में इसके अपोजिट नहीं आता, उसमें फिर दोनों की डायरेक्शन क्या होती? सेम होती। ये अपोजिट इसलिए आया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने पास एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल किस में है? मोशन में है। मोशन में है तो क्या बनेगा? उसके कारण करंट बनेगा। करंट क्या होता है? I इक्वल टू क्यू बाय टी। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? माइनस ई, और टाइम कितना बोल दिया हमने? कैपिटल टी बोल दिया, ठीक है। अब कैपिटल टी का वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है अपने पास? वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन किस में घूम रहा है? सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उसका? 2πr, इसकी सर्कमफ्रेंस के जितना हो जाएगा। तो यहां से टाइम की वैल्यू निकाल लेता हूं, मैं टाइम को उधर लेके जाऊंगा तो ये सर्कम डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2πr, और ये भी, ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? यहां से टाइम की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो टाइम की वैल्यू निकाली है ये कहां पे पुट कर दूंगा मैं? यहां पे पुट कर दूंगा। तो पुट करने के बाद क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आई इक्वल टू माइनस ए, और टी का वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा? वी ऊपर चला जाएगा, 2πr अपने पास नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? आई की वैल्यू निकाल ली। अब बात करते हैं किसकी? मैग्नेटिक मोमेंट की। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है अपने पास? मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? ये होता है अपने पास करंट इंटू एरिया, ठीक है। करंट का वैल्यू हमने यहां पे निकाल रखा है, ये करंट की जो वैल्यू हमने निकाली है वो उठा के कहां पे पुट कर देंगे? यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, किसे डिनोट कर दिया? म्यू एल से। करंट को आई से डिनोट किया और एरिया को हमने ए से डिनोट कर दिया, ठीक है। आई की वैल्यू यहां पे रखता हूं तो क्या जाएगा? ई वी बाय 2πr इंटू एरिया। एरिया क्या होता है अपने पास इस सर्कुलर पाथ का? ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा। म्यू एल इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास? यह आ जाएगा म्यू एल इक्वल टू 1/2 ई वी और आर, ठीक है, माइनस में। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है, इसको थोड़ी देर में डिफाइन करेंगे। नेगेटिव साइन फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करके बताता है, उसके बाद अपने को पता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है, वी नो दैट क्लासिकली एंगुलर मोमेंटम क्या होता है अपने पास? L इक्वल टू एम वी आर। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ ये जो वी आर है, इस वी आर का मैं वैल्यू यहाँ से निकाल पाऊँ, ठीक है। तो मैं इस m को उठा के उस तरफ लेके चला जाऊँगा तो क्या जाएगा? L बाय m इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास? वी आर। और ये जो वी आर की वैल्यू है ये उठा के मैं कहाँ पे पुट कर दूंगा? इस वाले इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा म्यू L इक्वल टू माइनस 1/2 और E, और वी आर की जगह क्या पुट करना है अपने को? L बाय M अपने को यहाँ से पुट कर दिया। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा म्यू L इक्वल टू E बाय 2m और L माइनस का साइन आगे, ये वाला अपने पास आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये अपने को फिजिकली रिप्रेजेंट करके बता रहा है कि L से ठीक अपोजिट डायरेक्शन किसकी होगी अपने पास? जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, उसकी ठीक L से अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद ये मैं यहां पर लिख भी देता हूं, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट म्यू एल इज अपोजिट डायरेक्शन टू एल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस एल को उठा के उस तरफ लेके चला जाऊं तो एल को उठा के मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा म्यू एल बाय एल इक्वल टू ई बाय टू एम। अब ये वाला जो रिजल्ट आया है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशो, ठीक है। क्या बोलेंगे? जायरो मैग्नेटिक रेशो। यह आ जाएगा जायरो मैग्नेटिक रेशो। अब जो जायरो मैग्नेटिक रेशो है ये अपने को फिजिकली क्या बताती है? जायरो मैग्नेटिक रेशो फिजिकली अपने को बताती है अगर अपने पास किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है तो वो पार्टिकल कितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, ये बात फिजिकली कौन बताएगा अपने को? जायरो मैग्नेटिक रेशो बताएगी। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अगर अपने पास किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम गिवन है तो वो पार्टिकल कितना
मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, ये बात फिजिकली कौन बताएगा? जायरो मैग्नेटिक रेशियो बताएगी, ठीक है। अब यहां पे अगर मेरे को प्रोटॉन के लिए जायरो मैग्नेटिक रेशियो निकालने हैं या मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो यहां पे क्या आ जाएगा, एम की जगह किसका मास आ जाएगा, प्रोटॉन का मास निकल जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहां पे एक बार इस रिलेशन को देखना, ये है म्यू एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, एम के आ रहा है, ठीक है। अब अगर किसी पार्टिकल का मास ज्यादा है तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है किसे, इलेक्ट्रॉन से, तो प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कम होगा और इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं, इसमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स और रहती हैं। अब ये जो E by M है, एक छोटा सा पॉइंट और देखना है यहां पे, मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रोटॉन हैज लेस मैग्नेटिक मोमेंट मोमेंट देन इलेक्ट्रॉन बिकॉज प्रोटॉन हैज हायर मास देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो E by M है, E by M क्या होता है अपने पास, E by M होता है स्पेसिफिक स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। और ये जो स्पेसिफिक चार्ज है ये डिसाइड करेगा कि कोई पार्टिकल कितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। ये जो स्पेसिफिक चार्ज है ये अपने को डिसाइड करके बताएगा कि कोई भी पार्टिकल कितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो इसको लिख देता हूं, इट टेल्स अबाउट tells about it tells amount of magnetic field moment produced by angular momentum प्रोड्यूस बाय एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एक बार आप इसको इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा और रहता है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा, वीडियो को रोक के आप इसको नोट कर सकते हैं। अब एक छोटा सा स्टेप और रहता है, अब हमने यहाँ पे ये जो रिजल्ट निकाला है, ये वाला रिजल्ट लेके चलते हैं हम। क्या है अपने पास, म्यू एल इक्वल टू क्या आया है, ई बाय टू एम और माइनस का साइन, और ये एल अपने पास इस तरफ है, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन है मैं इसको एच कट से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और एच कट से मैं इसको डिवाइड करवा देता हूँ, तो यह क्या आ जाएगा, म्यू एल इक्वल टू माइनस ई एच बार एच कट बाय टू एम और L by H bar, H कट से हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया और H कट से ही हमने इसको डिवाइड करवा दिया, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है अपने पास, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी अपने पास, ये बन जाएगी पावर मैग्नेटोन, इसको मैंने क्या लिख दिया, म्यू L इक्वल टू इसको लिखा म्यू B और by H bar into L, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ये नेगेटिव साइन हमने यहाँ पे एज इट इज रखा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं म्यू B एज बोहर मैग्नेटोन, बोहर मैग्नेटोन, ठीक है। अब अगर अपने को इसका जेड कंपोनेंट निकालना है तो जेड कंपोनेंट निकालना है तो यहीं पे निकाल देता हूं मैं, ये क्या जाएगा, इस एल की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एम एच कट लिख दूंगा, एल जेड कंपोनेंट यही होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का हमने ऑलरेडी क्वांटम मैकेनिक्स में ये पढ़ा हुआ है, तो इसकी जगह ये वैल्यू रखूंगा तो क्या जाएगा, यह आ जाएगा म्यू एल इक्वल टू म्यू बी एज इट इज रहेगा बाय एच बार एज इट इज, इसकी जगह क्या पुट करूंगा, एम एच कट पुट करूंगा, इससे ये वाली टर्म कैंसिल, तो आ जाएगा म्यू एल इक्वल टू नेगेटिव साइन म्यू बी और एम, ठीक है। ये क्या जाएगा इसका जेड, जो जेड कंपोनेंट है वो मिल जाएगा और ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है।
तो ये था अपने पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। इसका जो मेन रिजल्ट है अपने पास, एक तो ये जायरो मैग्नेटिक वाला जो रेस जायरो मैग्नेटिक रेशो हमने निकाली है, ये वाला रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, और दूसरा ये जो रिजल्ट हमने निकाला है ये वाला रिजल्ट इम्पोर्टेंट है। आने वाले लेक्चर्स के अंदर ये रिजल्ट यूज होगा। अगर इसमें से कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।